अब आपको यहां से बताएं कि पंजाब हुकूमत की गफलत, करोड़ों की मशीनरी अस्पताल में नाकारा होने लगी है। पंजाब हुकूमत की गफलत के हवाले से आपको बता रहे हैं, करोड़ों की मशीनरी अस्पताल में नाकारा होने लगी है। नवाज शरीफ अस्पताल की गेट में 7 वेंटिलेटर मशीन नाकारा होने लगी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन हफीज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वजीर अजम पाकिस्तान के नाम पर ये यक्की गेट में अस्पताल है जहां पर मशीनरी लाई गई थी, वेंटिलेटर करोड़ों रुपए की मशीनरी है, 7 वेंटिलेटर मशीनें हैं जिसको 2.5 साल पहले लाया गया था लेकिन ताहाल इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया और अब ये नकारा होने के करीब है। जब एमएस यक्की गेट अस्पताल से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए उनके पास कंसल्टेंट डॉक्टर्स मौजूद नहीं है और 21 असामियां जो कि कंसल्टेंट डॉक्टर्स की खाली है वो भी 2.5 साल से ही खाली है। मरीजों को इन वसाइल के होने के बावजूद धिक्के खाने पड़ रहे हैं और ये सूरत हाल इस अस्पताल में है और हुकूमत पंजाब 2.5 साल से इस मामले से बेखबर है। जी जी हसन हफीज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।